माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ को शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज आप सबको मैं नया जगह लेके आ गई, वो है काफी हेडी दिखाने के लिए। चलिए दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम जो है गांव में आए हैं, ये नासिक सिटी से कम 25 किलोमीटर अंदर है और ये नासिक एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर अंदर है और इस गांव का नाम है मोहरी। बहुत ही सुंदर है और ये गांव में पूरा गुलाब का खेती है हर जगह। ये गांव एक्चुअली गुलाब के लिए स्पेशल है। गुलाब की खेती के लिए पॉली हाउस होना ही चाहिए। पॉली हाउस का मतलब होता है, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा व्हाइट कपड़ा से घिराव करके रखते हैं, तो ऐसा इससे गुलाब अच्छे रहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गाँव के अंदर का जो लोकेशन होता है ये सब गाँव में ही मिलता है, शहर में नहीं। कितना सुंदर लग रहा है ना। और सुबह का टाइम है, पॉली हाउस के अंदर हम लोग आ गए। देखिए, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर, मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ऐसा वाला गुलाब का खेती। जयराम लहानू मौली। ओके, आपका कितना पॉली हाउस है? तीन है, तीन, 2 एकड़। फ्रेंड्स, एक गुलाब का जो पौधा आप देख रहे हो ना, उससे जो छोटा वाला पौधा होता है एकदम लगाने के टाइम, वो कहाँ से आप लेके आते हो? वो पुना से। पुना से लेके आते इधर, फिर आप लोग लगाते हो? ये जो गुलाब का खेती है, ये आप लोगों को कितना महीने लगता है? कम से कम 3 महीने। 3 महीने मतलब छोटा से बड़ा होने? हाँ, बड़ा होने। 3 महीने के बाद ऐसा वाला गुलाब फूल आता है, खेती होके ऐसा वाला फ्लावर भी आता है। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर। और पानी, और फिर हर रोज पानी, हर रोज जगह पानी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? नहीं, ज्यादा होता है। का माटी बोलते है ना, लाल माटी, वही चाहिए। लाल वाला गोबर के साथ लाल वाला मिट्टी भी चाहिए फूल अच्छा आने के लिए। बहुत ही सुंदर लग रहा है। गुलाब अच्छा नहीं आता है, किसी किसी गुलाब में तो कीड़ा भी लग जाता है। हाँ, ये कीड़ा लगता है ना, ये धूप से वजह से लगता है। तो ठंडी के मौसम में गुलाब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहता है। ओके, इसीलिए देखते हैं ना फ्रेंड्स, ठंडी के मौसम में मार्केट में गुलाब ज्यादा अवेलेबल होता है। ये देख सकते हैं, अभी बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि अभी धूप ज्यादा आया नहीं है। इसके बाद मतलब जो उसको ना, ये जो लगा है नेट, हाँ, नेट से वजह से अच्छा हो रहा है। और फिर जब अगर बाई चांस कीड़ा वगैरह लग गया तो दवाई मारना पड़ता है। कितने दिन में? 4 दिन 5 दिन में दवाई मांगता है। फिर आप लोगों को समझ में कैसे आता है कौन सा? दिखता है ना, खाली अंदर दिखता है ना, ऐसा बारीक है ना, कीड़ा दिखता है ना बारीक, मतलब ऐसे खोल के देखो। हाँ, नहीं तो मैं मोबाइल पे ऐसा झटकते है ना। हाँ, कीड़ा आ जाएगा। हाँ, कीड़ा आ जाता है इसमें, समझ गए। मतलब फ्रेंड्स देखिए, अभी नहीं, हाँ, नहीं तो रहता है अभी। अच्छा, ये फूल तो बड़ा हो गया। हाँ, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा मांगता है खाली छोटा वाला। हाँ, इसका तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये 2 नंबर में जाएगा। 2 नंबर में मतलब इधर लोकल दुकान, लोकल, हाँ, लोकल में जाएगा। मतलब फ्रेंड आप सोच सकते हैं, ये फूल भी 2 टाइप के डिवाइडेड होता है, जो बड़ा वाला साइज का होता है, हाँ, और तो नॉर्मल दुकान में जाते हैं आसपास में, और ऐसा छोटा वाला जो आता है ना, ये एक्सपोर्ट होता है मार्केट, मतलब ये बाहर चला जाता है। एक काका के अंदर 10 मेंबर काम करते हैं। तो आप कितने साल से इधर काम कर रहे हो? 5 साल। 5 साल से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो अच्छा भी लगता है ना, सुबह सुबह आके फिर फ्लावर की कटिंग करना। हाँ, अच्छा, हाँ, मन भी थोड़ा खुश हो जाता है ना देख के, फूल को देख के अच्छा लगता है। फूल को देख के हमको जैसे अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अभी कटिंग चल रहा है फ्लावर का, आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये इधर आसपास में मार्केट में जाएगा, और ऊपर का जो बड़ा वाला दिख रहा है वो बाहर एक्सपोर्ट होगा।
एक दिन छोड़ छोड़ के फ्लावर का कटिंग करना पड़ता है, तो फुलाने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही नहीं। फ्लावर को स्टोर में लेके जाएगा, फिर वो वाला भी आप लोगों को दिखाएंगे कैसे करके प्रोसेसर है। लेकिन आप देख सकते कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बटन को प्रेस करना, तो नया नया नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं भी एक फ्लावर को कटिंग कर रही हूँ, इधर से तो ओके। देखिए कितना बढ़िया है मेरा वाला, ये भी जाएगा ना एक्सपोर्ट में, ये भी चला जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक है चले फिर दूसरा दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये जो आप टैप देख रहे हैं ना, ये है ये खेती में पानी देने के लिए। पानी कहाँ से आता है? बावड़ी से आता है। बाहर जो कुआ है पानी उसका पाइपलाइन है, फिर अंदर से ये इधर पानी आता है, फिर इधर चाबी घुमा के पानी खेती में दे देते। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखिए, हाँ पूरा एकदम वातावरण ही अलग ही है, मन खुश हो जाते पूरा। आप लोगों को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना, मैं पूरा बताऊंगी डिटेल्स में। और इधर आने के लिए लोग अगर लोकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो देख के आप लोग आ सकते हो इधर। खेती से तोड़ के पानी में डालेंगे और अंदर स्टोर में जाएंगे, मतलब खेती से तोड़ के डायरेक्ट इधर ही लेके आ रहे हैं। अभी ये पानी में पॉट के अंदर ये 4-5 दिन इसके लिए अलग से कुछ दवाई दिया क्या? केमिकल रहता है, केमिकल दांडी के लिए, सही इसलिए अच्छा रहता है। हाँ। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये नजारा। देखिए फ्रेंड्स अब भी जस्ट बगीचे से फ्लावर कटिंग करके लेके आए और सब अभी पॉट में रखा। ये चार दिन का है लेकिन देख के नहीं लग रहा है, देख के लग रहा है अभी जो कटिंग करके लेता है वही सच। तो ये अभी मार्केट पे जाएगा। हाँ, लेकिन पैकिंग करके मार्केट में, ये कोल्ड स्टोर में था। हाँ। फ्रेंड्स मैं अभी काका के साथ कोल्ड स्टोर में जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी दिखाते हैं ऐसा कैसा फैसिलिटी क्या क्या है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये कोल्ड हाउस है, पूरा ठंडा एकदम ठंडा, मतलब बहुत ही ठंडा। ये जो फ्लावर है अभी ये बाहर जाएगा पैकिंग करने के, ये 4 दिन हो गया इसका, कितना पूरा ताजा लग रहा है, जैसा लग रहा है अभी अब पूरा ठंडा भी है। ऊपर से दिन में ये 4 टेम्परेचर 4 फ्रेंड अंदर का जो टेम्परेचर है ये है 7 डिग्री है, लेकिन 4 डिग्री तक जब आएगा तो ऑटोमेटिक बंद कर देगा, उससे ज्यादा बंद हो जाता है। अभी वो पैकिंग कर रहा है, अभी देखिए इधर पैकिंग भी चल रहा है।